हेलो एवरीवन, मैं जेनेवल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे अपने प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों के लिए जो हमारा चैप्टर चला है प्लस टू का डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर करवाया था प्रॉपर्टी नंबर 6, जिसके अंदर आपको मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे। इसीलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 आपको बड़े ध्यान से और पूरी की पूरी प्रॉपर्टी नंबर 6 आपको कवर करनी है। तो आज की इस क्लास में जो मैं आपको करवाने वाला हूँ प्रॉपर्टी नंबर 7 और प्रॉपर्टी नंबर 8। जब कंपटीशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है प्रॉपर्टी नंबर 7 और 8 से। इसीलिए एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझना, पूरा का पूरा ध्यान आपका पूरी क्लास के अंदर आपको लास्ट तक पूरा ध्यान रखना है और एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो चलो हम शुरू करते हैं। हमारे पास आता है प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 के अंदर क्या है? पीरियोडिक फंक्शन बेस्ड प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है पीरियोडिक फंक्शन बेस्ड प्रॉपर्टी होती है। अब बात करते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन, जैसे बच्चे आपने साइन एक्स का ग्राफ तो देखा होगा। साइन एक्स का जो ग्राफ, अगर एक बार रफली आपको बता देता हूं कि आपने ग्राफ इस तरीके से साइन एक्स का पढ़ा है कि इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ बनता है, हर बच्चे ने देखा है। तो एक बात बताओ कि जो मेरे को ये वैल्यू जो मिली, जो ग्राफ है वो बार बार रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब इस साइड पे जो वैल्यू मिली मेरे को, दोबारा यहां पे इस साइड पे मेरे को वैल्यू मिल चुकी है, मिल गई ना। कहने का मतलब ये ग्राफ यहां पे 1 को टच करता है तो 1 को दोबारा यहां पे आके टच किया। तो कहने का मतलब 2π पीरियड होता है साइन एक्स का, और 2π के बाद जो ग्राफ है वो बार बार सेम वैल्यू देता है। तो ये कहलाता है पीरियोडिक फंक्शन, सिंपल सी भाषा। तो बात करेंगे यहां पे हमारे पास क्या होगा। देखो भाई, इफ fx इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड t, fx कोई पीरियोडिक फंक्शन होगा और उसका पीरियड क्या होगा t। पीरियड को हमेशा किससे डिनोट करते हैं? t से डिनोट करते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहला रूल आता है, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है जीरो से एनटी लिमिट दी है एफएक्स डीएक्स की, जीरो से एनटी लिमिट दी है एफएक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो इस केस में आप हमेशा क्या कर सकते हो, जो हमारे पास जो एन है टी के साथ जो मल्टीप्लाई है वो आगे उतार सकते हो मल्टीप्लाई में, और जीरो से टी लिमिट बना सकते हो एफएक्स डीएक्स। तो हमेशा क्या होगा, ये जो वैल्यू देगा उतनी ही ये वैल्यू देगा। कहने का मतलब दोनों बराबर होगी हमेशा, सबसे पहला रूल। तो आप इस केस में जो एन है वो आगे उतार दिया मैंने और जीरो से टी क्या बना दी, लिमिट बना दी। अब यहां पे जो एन है ना वो हमेशा किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को। एन बिलोंग्स टू इंटीजर, बात आ गई समझ में। तो पहले हमारे पास हो जाएगा रूल। अब इसका मैं आपको अच्छे से ग्राफ के अंदर भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये प्रॉपर्टी बनती है। एक बार आप तीनों के तीनों रूल अच्छे से देख लीजिएगा। दूसरा रूल आता है कि ए से ए प्लस टी हमारे पास लिमिट है एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो अगर मेरे पास ए और ए प्लस टी लिमिट दे दी, लोअर लिमिट ए है अपर लिमिट ए प्लस टी है, तो इस केस में आप लिमिट बना सकते हो जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स। कहने का मतलब जो हमारे पास ए है वो हट जाएंगे, जीरो से सिर्फ टी रहेगा। क्या रहेगा? जीरो से टी लिमिट हो जाएगी और एफ एक्स डी एक्स। कहने का मतलब ये जो बनेंगे इंडिपेंडेंट 2a, ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया, ये हमारे पास जो बना है वो इंडिपेंडेंट 2a है, क्योंकि यहाँ पे a तो रहा ही नहीं है, है ही नहीं यहाँ पे a। तो बता कि समझ में, ये हमारे पास सेकंड रूल। अगला रूल देखो, रूल नंबर 3, nt से mt आपके पास लिमिट है एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। क्या है? nt से mt। तो देखो t जो है वो दोनों में कॉमन वैल्यू मिलेगी मल्टीप्लाई m और n दोनों के साथ। तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, जो मेरे पास आप ऊपर जो हमारे पास m है m में से माइनस n कर दो। कहने का मतलब जो m ऊपर बैठा है उसमें से जो नीचे n है t के साथ मल्टीप्लाई m माइनस n है, और लिमिट लगा दोगे इंटीग्रेशन जीरो से t लिमिट लगाई एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। बात आ गई समझ में। तो कहने का मतलब देखो t तो दोनों में कॉमन मिलेगा, n और m दोनों के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो क्या करोगे आप m माइनस n कर दिया इनटू के अंदर, जीरो से टी लिमिट बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? जीरो से टी लिमिट एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। बात आ गई समझ। तो ये तीन रूल है और तीनों रूल से पूरे के पूरे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं।
अब इनका प्रूफ देख लीजिएगा, मैं आपको दो के प्रूफ बता देता हूँ, फिर बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाएगा, किसी प्रकार से तकलीफ नहीं होगी। देखो हमारे पास प्रूफ आता है पहले का, अगर आपको दिया जैसे कोई भी ग्राफ दे दिया, एक बार आप ग्राफ देख लीजिएगा, आपके पास ऐसे कोई ग्राफ बैठा है, यहां से चला मैं, ये जो ट्रायंगल बन रही है ऐसे, ये सेम बनती जाएगी और लास्ट में मेरे पास ये चलती जाएगी और ये हमारे पास हो जाएगी। तो यहां से हम लगे जीरो था, ये टी, ये टू टी, ये थ्री टी, और ऐसे ही चलता जाएगा यहां तक आ जाएगा एन टी। बात आ गई समझ? अब एक बात बताओ, जो मेरे पास ये ग्राफ बना है ना, इन सब की जो वैल्यू रहेगी, कहने का मतलब ये जो एरिया है, ये एरिया, ये सबका सेम है, तभी पीरियोडिक होगा, इस बात में ध्यान देना, अलग नहीं होगा नहीं तो पीरियोडिक नहीं होगा। ये एरिया जैसे जीरो से टी का जितना एरिया है, उतना ही एरिया टी से टू टी है, उतना ही एरिया टू टी से थ्री टी है और एन टी तक। बात आ गई समझ? तो एरिया जो है वो सेम है। आपसे क्या मांगा है, आपसे बोला कि आपको दिया इस केस में, पहले के अंदर क्या था कि जीरो से एन टी एफ एक्स डी एक्स, कहने का मतलब जीरो से लेके एन टी तक का टोटल एरिया बताना था। तो क्यों ना एक बात बताओ, ये एरिया तो सेम है जो मेरे पास ट्रायंगल की फॉर्म में बैठा है, तो मैं क्यों ना इस जो इतना एरिया आएगा उसका एन टाइम कर दूं। कहने का मतलब एन टाइम कर दिया, किसका, जीरो से टी का एरिया निकाल दो मैं और एफ एक्स है डी एक्स हो जाएगा। देख लीजिएगा, सिंपल सी चीज है, कोई मुश्किल है नहीं है। क्या किया कि इस सब एरिया का मैंने एन टाइम कर दिया, क्या कर दिया मैंने एन टाइम कर दिया, और जीरो से टी का एरिया, जीरो से टी का एरिया निकाल दूं एफ एक्स डी एक्स, तो हमेशा दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे, कभी भी चेंज नहीं मिलेगा। सबसे पहला जो हमारे पास प्रूफ है वो ये हो जाएगा, पहले रूल का। अब दूसरे की बात करते हैं, अब बात करते हैं दूसरे की। आपको दूसरे के अंदर ग्राफ दे दिया, जैसे आपको इस तरीके से ग्राफ बिठाया, ये ग्राफ आ गया मेरे पास। एक बात होता है, ये जो वैल्यू है ये जीरो है, ये आपके पास जो मिली ना वो हमारे पास हो जाएगी ए, कितनी हो जाएगी ए, ये टी और ये टू टी। अब हमारे को जो लिमिट दूसरे के अंदर दी वो ये दी थी कि ए से ए प्लस टी, क्या दी थी, ए से ए प्लस टी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करवा रहा था। तो मेरे पास देखो जीरो से जस्ट आगे ए बैठा है और ए प्लस टी, एक बात होता हूँ, जितना मैं जीरो से ए यहां तक चला इतनी डिस्टेंस, उतने ही टी जो है वो आगे चलेगा। कहने का मतलब यहां तक जो मिलेगा वो मिलेगा ए प्लस है टी मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, ए प्लस है टी मिलेगा। तो एक बात बताओ भैया कि जो मैं एरिया निकाल रहा हूं, मेरे से क्या पूछा, इतना एरिया पूछा है, इतने का आंसर मिला है। तो एक बात बताओ, टी से मैं ए प्लस टी जितना एरिया इधर गया उतना ही एरिया जीरो से ए तक का है। तो कहने का मतलब ये वाला, अगर मैं यहां पे छोटी ट्रायंगल जो बनी है शेडेड मैंने किया, ये उठा के अगर इस पे रख दूं, तो क्यों ना मैं फिर आंसर निकाल दूं जीरो से टी का, तो हमेशा ए से ए प्लस टी के बराबर रहेगा। तो इस केस में मेरे पास हो जाएगा फाइनली कैसे, कि चाहे मैं जीरो से टी का आंसर निकालूंगा एफ एक्स डी एक्स का, तो भी हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, एरिया जो है वो सेम आएगा। तो ये मेरे पास दोनों के प्रूफ इसी तरीके से तीसरा हो जाएगा। ठीक है, देखो बड़े आसान से ज्योमेट्रिकल तरीके से मैंने आपको समझाया ग्राफ से, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे सस्ता रास्ता ये होता है समझाने का इसका, ठीक है, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। मेन अपने पास जो है ये तीनों के तीनों रूल है, इससे हमारे क्वेश्चन है निकल जाएंगे। तो देखिएगा हमारे पास अब बात आती है क्वेश्चनों पे। सबसे पहला क्वेश्चन, अब आपको दिया है पहले क्वेश्चन में जीरो से टेन लिमिट इंटीग्रेशन करना है 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये जो है ये नीचे जो बैठा है ये साइन क्लोज ब्रैकेट नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है भैया, आपने पढ़ा भी होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब एक बात बताओ, सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 से 10 2 की पावर x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, हो जाएगा नहीं भैया, हो जाएगा। अब एक बात बताओ, क्योंकि बेस सेम था, तो
तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस जब डिवाइड में होगा तो एक्स माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो जाएगा। अब आपको सभी बच्चों को ये तो पता है कि हमेशा मेरे पास जो ये होता है एक्स माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हमेशा बराबर होता है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के, किसके, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के, होता है कि नहीं होता भैया, फ्रैक्शनल पार्ट है फंक्शन के। कहने का मतलब झुनझुना, देखो झुनझुने की तक इस तरह इसका क्या मिलेगा साइन झुनझुना, ठीक है। तो ये मेरे पास x जो है x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x वो हमेशा बराबर होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो पीरियड होता है, जो पीरियड होता है कहने का मतलब जो t वो हमेशा वन होता है, मतलब पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। तो इस केस में जब भी आप सोल्व करते हो, सोल्व करना सबसे बढ़िया रास्ता, कोई मुश्किल चीज नहीं है। एक बात तो टेन के मल्टीप्लाई वन तो है, वन तो मिलेगा भैया, तो मेरे पास देखो टेन इंटीजर है तो मैं आगे उतार दिया, और मेरे पास जीरो से कितनी हो जाएगी लिमिट वन हो जाएगी, टू की पावर एक्स। अब एक बात होता हूँ, एक्स माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की अगर बात करूं जीरो से टेन के बीच में, जीरो टू वन के बीच में, जीरो टू वन में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो है वो वैल्यू कितनी देता है, हमेशा जीरो देता है। जीरो टू वन, जीरो से वन के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की जो वैल्यू रहती है वो हमेशा क्या रहती है, जीरो रहती है। अगर जीरो रहती है तो मेरे पास ये जो देगा जीरो से वन के बीच में तो मेरे को दे देगा जीरो, कितना दे देगा, माइनस का जीरो इंटू में क्या हो गया डीएक्स। अब अगर सुधार के लिखता हूं तो ऐसे तो लिख सकता हूं ना मैं, टेन इंटू में जीरो से वन टू की पावर एक्स डीएक्स हो गया। अब सभी बच्चों को ये तो आता है, 10 तो आगे मल्टीप्लाई में बैठा है, 2 की पावर x का इंटीग्रेशन, 2 की पावर x, 2 की पावर x अपॉन में ln 2 होता है, ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, और मेरे पास लिमिट क्या है, 0 से 1 लिमिट है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, पुट करना है, और कुछ नहीं करना, पुट कर दो भैया इसके अंदर जो जो चीज़ आपसे मांगी है, ये चीज़ जो है पूरा बॉक्स में बंद कर लीजिए, ताकि आपको बड़े काम की चीज़ है ये जो मैंने बताई है। किसी बच्चे को अगर पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी प्लस वन बहुत ज़्यादा वीक होती है, लेकिन भैया करना पड़ेगा, आप कहीं भाग नहीं सकते, ये बता देता हूँ मैं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ से जैसे ही मैंने अपर लिमिट पुट की तो आपके पास हो गया टेन इंटू में टू की पावर वन अपॉन एल एन टू माइनस जीरो पुट कर दिया, लोअर लिमिट हमारे पास टू की पावर जीरो अपॉन एल एन टू, और ये मेरे पास देखो ln2 तो बाहर आ गया 10 अपॉन ln2, तो देखो भैया 2 की पावर 1 बचा तो 2, 2 की पावर 0 1, तो मेरे पास फाइनल जो आंसर आया 10 अपॉन ln2, ये हो जाएगा मेरे पास किसका आंसर है, जो हमारे को दिया 0 से 10 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसीलिए एक एक चीज को आप देखिएगा, ठीक है, किसी प्रकार का आपको दर्द नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा नेक्स्ट मेरे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब की बार जो दे दिया आपको लिमिट सिर्फ क्या दे दी, 0 से 10.7 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का इंटीग्रेशन करना है, तो सिर्फ लिमिट चेंज करिए मैंने 0 से 10.7, तो बच्चा कैसे सोचेगा, क्योंकि पॉइंटों में दे दी। तो जब भी इसको सोल्व करते हो सबसे पहले अपने पास जो रास्ता जाएगा वो देखो क्या होगा, कि जीरो से मेरे पास 10 और 0.7, इसको सबसे पहले ऐसे लिख दूं 2 की पावर x माइनस में, इतना तो सभी बच्चों ने कर लिया, ठीक है। अब देखो अगला जो स्टेप है वो लिमिट तोड़नी पड़ेगी आपको, कैसे, जीरो से 10 हम अलग करेंगे 2 की पावर x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx प्लस 10 से 10.7 और मेरे पास क्या हो जाएगा 2 की पावर x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। ये सीखने वाली चीज थी, क्या किया कि मेरे को 0 से 10.7 जाना था, तो मैं चला गया 0 से 10 2 की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx प्लस का साइन लगा दूं, अब 10 से 10.7 2 की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने किस लिए ब्रेक की, क्योंकि 10 से 10.7 का जो एरिया होगा ना
वो सिर्फ बीच में से टूट चुका है। ठीक है, तो इस केस में सोल्व करने के लिए आपके पास तो ये रास्ता है, क्या मैं इस 10.7 को ऐसे देख सकते हो, जो 10 है वो एक ही नजर से देखो तो ए प्लस टी होना चाहिए, तो कहने का मतलब 10+0.7 होना चाहिए। ये अगर ए बना तो ये ए प्लस टी बनेगा, तो 10.0.7 अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास फाइनली जो एक बात होता है, इसका तो मैंने अभी अभी निकाल रखा है पूरे का आंसर, इस वाले का तो पूरे का आंसर हमने निकाला है पिछले क्वेश्चन के अंदर, कितना था जाके देखो 10/ln2 था। तो सेम उसी तरीके से चलना है, कोई टाइम खराब हम नहीं करेंगे। अब इस पे बात आती है, इस पे आपके पास बन जाएगा 0 से 0.7 लिमिट 2 की पावर x माइनस में। अब एक बात होता है, 0 से 0.7 ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो वैल्यू देता है, 0 से 1 क्या देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 वैल्यू देता है, तो 0 से 0.7 भी क्या देगा 0 देगा भैया, इंटू में dx। इस चीज को देख लीजिएगा आप अच्छे से, ये हो जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट केस में मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, मेरे पास आगे जो बैठा है वो सेम का सेम 10/ln2 ठीक है, प्लस के अंदर 2 की पावर x बचा सिर्फ, देखो x माइनस 0 का कोई फर्क नहीं, 2 की पावर x का इंटीग्रेशन 2 की पावर x अपोन ln2 और मेरे पास लिमिट क्या लग जाएगी 0 से 0.7। अपर लिमिट पुट करो 10/ln2 प्लस, अपर लिमिट पुट कर दी 2 की पावर 0.7 अपोन ln2 तो पड़ा रहेगा, माइनस लोअर लिमिट मैंने 0 पुट कर दी तो 2 की पावर 0 अपॉन ln 2। सिर्फ सोल्व कर लेना और कुछ नहीं करना, मेरे पास फाइनली आ जाएगा 10/ln 2 प्लस के अंदर एक बात होता है, ये 1/ln 2 तो बाहर आ गया, अंदर जो बचा ना मेरे पास कितना बच जाएगा 2 की पावर 0.7 तो सोल्व नहीं कर पाएंगे हम, छोड़ दो चाहिए, और -1 बन जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। बस इतना करना है, कुछ नहीं करना, देख लीजिएगा एक एक चीज को, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई होच पोच नहीं, मैंने एक एक चीज को आपको डिफाइन वे में बताया, देख लीजिएगा। अब एक चीज देखना कि बच्चा ये सोचेगा यार ये 0 से 0.7 कैसे तोड़ा, एक ग्राफ में भी बता देता हूँ, ग्राफ से भी अच्छा समझ में आएगा बच्चे को, कि अगर मान लो मेरे पास ग्राफ ऐसे होता, ऐसे मेरे पास कोई है और इस ग्राफ के अंदर जो वैल्यू है आपके पास, ये आपके पास 0 से 1 मान लो कोई वैल्यू है, इंटीजर की फॉर्म में जाना है, ऐसे चलता जाएगा और आपके पास आगे जाके ये वैल्यू तो आएगी ना 10 से 11 ठीक है, 10 से 11 ये मिलेगा नहीं मिलेगा, सेम ट्रेंगल वाले में दिखा देता हूँ ताकि बच्चा पजल नहीं होगा भैया, क्या नहीं होगा पजल, कि एक एक चीज को समझ सके आसानी से, एक ग्राफ में दिखा रहा हूं। अगर आपके पास इस केस में एक बात बताओ, आपसे जो पूछा है वो 10.7 तक पूछा है, कितना 10.7 तक, तो ये जो एरिया है एक बात बताओ यहां तक जो मिलेगा मेरे को 0.7 मिलेगा, 0 से 1 से पहले 0.7 मिलेगा, और 10 से 11 जाऊंगा तो 11 से पहले मेरे को 10.7 पीरियोडिक है तो ग्राफ से मिलेगा। तो एक बात बताओ कि ये जो एरिया होगा, इस एरिए का वैल्यू और इस एरिए का वैल्यू सेम होगा ना, तो क्यों ना मैं 10 से 10.7 निकाल रहा हूं, तो वही अगर चीज मैं निकाल दूं 0 से 0.7 तो हमेशा क्या होगा बराबर होगा, जो शेडेड एरिया है वो हमेशा बराबर, तो इसीलिए मैंने ये भी सोच सकता हूं कि 0 से 0.7 है मैंने बढ़ा दिया। चाहे आप ऐसे कर लो कि a प्लस टी वाली फीलिंग लेके सोल्व कर सकते हो, तो दोनों रास्ते आपके लिए जैसे अच्छा लगे वो कर सकते हो, चाहे ग्राफ से कर लो चाहे ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये जो चीज है मैंने इसके लिए की है भैया, इसके लिए की है, ठीक है, ये जो ग्राफ है वो इसके लिए बनाया है, इसलिए इस बात पे ध्यान देना, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, आंसर आपके पास आ चुका है आपके सामने, सोल्व कर सकते हो दोनों चीज से। अब अगला मेरे पास आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। आपको दिया क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन 0 से 41/2 फंक्शन दिया है e की पावर 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो देखो भैया मैं तो एक बात जानता हूं कि n जो होता है वो क्या होता है हमेशा किस फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्म में, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखना कि मेरे पास 0 से 40 into में 1/2
भी जो एन है वो हमेशा इंटीजर की फॉर्म दिखेगा, और मेरे पास ये बन जाएगा ई की पावर 2x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x और dx भी बेस सेम है, तो मेरे पास पावर क्या हो जाती है माइनस, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है भी, आपको मेंशन करेगा जब भी आप एग्जाम दोगे तो। अब ये हो जाएगा, अब इस केस में मेरे पास देखो 41 तो मैंने आगे उतार दिया, 41 तो मैंने आगे उतार दिया भैया, अगर 41 को आगे उतारा इन टू में, जीरो से कितना बचा मेरे पास 1/2 बचेगा e की पावर 2x। अब एक बात बताओ कि जीरो से 1/2 ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वैल्यू कितनी देगा, ये चीज देखिएगा, अगर मान लो जीरो से 1/2 के बीच में कोई भी वैल्यू आप पुट करके देख लीजिए, जीरो से 1/2 के बीच में मान लो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 में x की वैल्यू रखी, 0 से 1/2 1/3 रख दूं तो 0 से 1/2 के बीच मिलेगी, बीच की वैल्यू पुट कर दो, या फिर सबसे सस्ता रास्ता है लोअर लिमिट पुट कर लो हमेशा इस इंटीजर में तो आपको वैल्यू दे देगा। अब एक बात तो जब भी पुट किया तो मेरे पास 2/3 कहने का मतलब 0.6 और अप्रोक्सीमेट देगा, तो 0.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या देगा, 0 देगा, क्या देगा, 0 वैल्यू देगा, तो ये मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है फंक्शन का साइन है तो 0 देगा। तो इस केस में भी मेरे पास कितना बन जाएगा भैया, ये वाली जो वैल्यू 0 से 1/2 कितना मिलेगा 0 into dx। अब सीधा सीधा क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, कुछ नहीं करना आप लोगों को, 41 इंटू में मेरे पास हो जाएगा, अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ e की पावर x का, e की पावर x सेम होता है मतलब 2x है तो 2x बिठाएंगे, और 2x का डेरिवेटिव डिवाइड में लगाते हैं 2, और मेरे पास लिमिट क्या है 0 से 1/2। अब सिर्फ और सिर्फ पुट करनी है भैया, क्या करनी है आपको, पुट करनी है, पुट अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास फाइनली देखो क्या मिलेगा, अगर मैंने 1/2 पुट कर दिया, 1/2 पुट किया इसके अंदर, तो 41 तो ठीक है इनटू के अंदर, ये 2 कॉन्स्टेंट है, इसको भी बाहर फेंक दो, क्यों साथ में लेके चल रहे हैं भैया, 41 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में आपके पास 1/2 भेजा e की पावर 2 into 1/2, माइनस का साइन लगाते हैं, 0 भेजेंगे e की पावर 0 बन जाएगा, क्यों ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ये 2 से 2 भी कटा, फाइनली मेरे पास 41 डिवाइड बाई 2, और मेरे पास e माइनस में क्या बन जाएगा 1, और ये मेरे पास क्या गया फाइनल है आंसर। ठीक है, देख लीजिएगा एक एक चीज को, एक एक कॉन्सेप्ट को कि कैसे किया है, कोई मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से, कोई मुश्किल है नहीं है, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट भी देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा, और ये आपको बता देता हूँ आपके कानों तक आवाज जानी चाहिए कि ये जो है IIT में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बता की सच में IIT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बच्चा थोड़ा अब अलर्ट होके चेतावनी के साथ देखेगा बड़े ध्यान से। आपको दिया है आईज कल टू, इंटीग्रेशन करना है 0 से nπ + v लिमिट है मोड कोस एक्स डीएक्स का, वी जो है वो दिया है आपको π/2 से π, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में बैठा है वी की वैल्यू, एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, तो कैसे करेंगे, आपको सबसे बढ़िया और सबसे सस्ते रास्ते से करवाता हूँ, देख लीजिएगा एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखना है कि अगर इस केस में अगर मैं ऐसे करूं 0 से nπ + v है, तो इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं भैया 0 से nπ, और मेरे पास मोड cos x dx बेटा है, प्लस के अंदर nπ से मैं जा सकता हूं nπ + v तक जा सकता हूं, और मेरे पास फंक्शन क्या है मोड कोस एक्स डी एक्स जा सकता हूँ ना, क्या लिमिट तोड़ी है मैंने, पहला काम 0 से nπ गया, nπ से nπ + v तो जा सकते हैं, तो कहने का मतलब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ 0 से nπ + v तक हो गया, और बीच में आता है nπ दोनों के, इतना होने के बाद अब इस केस में एक चीज और देखो, ये जो मेरे पास बनेगा ये जो n है वो आगे उतार सकता हूँ ना, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है, मोड कोस एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, अगर ये होगा तो n आगे उतरेगा, n आगे उतर गया 0 से π हो जाएगा, और मोड के अंदर cos x dx प्लस nπ से nπ + v, कहने का मतलब फिलिंग लीजिए a से a + t वाली, तो क्या लिमिट बन जाती है a से a + t, तो 0 से t, और t की वैल्यू क्या है यहाँ पे v की फॉर्म बैठी है, और cos mod x dx। ठीक है, अगर ये हुआ
तो एक बात बताओ कि मेरे पास मोड कोस एक्स का ग्राफ मेरे ख्याल से बच्चे को आता भी होगा, नहीं आता तो देख लीजिएगा। अगर आपके पास मोडलस का अगर है, मोड कोस एक्स का ग्राफ जीरो से पाई का बना देता हूं, तो जीरो से पाई जब भी ग्राफ देखोगे तो आपके पास ऐसा मिलेगा, ये आपके पास जीरो है यहाँ पे, ये आपके पास पाई और रास्ते में आता है पाई बाई टू, आता है कि नहीं आता? ये किसका ग्राफ है? मोड कोस एक्स का ग्राफ ऑफ, लिख लेना ये चीज, ग्राफ ऑफ किसका? मोड कोस एक्स का। अब आपको सभी को पता है कि एक जो ये पूरा मान लो कटोरा बनता कोस एक्स का, मैंने आपको बताया हुआ है पहले लेक्चर में, ये जो हाफ कटोरा है इसका एरिया वन होता है और इसका एरिया भी कितना होगा? वन होता है हाफ कटोरे का, हमेशा कोस और साइन दोनों में। अगर ये जीरो से पाई बाई टू हमेशा वन देता है, कितना देता है वैल्यू? वन देता है। पाई बाई टू से पाई भी हमेशा क्या देगा? वन। तो एक बात बताओ, जीरो से पाई की टोटल अगर वैल्यू बात करता हूं तो वन और वन क्या हो गया? टू। कितना हो गया? वन और वन है टू हो गया। तो मेरे को ये पूछा है कि जीरो से पाई मोड कोस एक्स की वैल्यू पूछी है और एन आगे बैठा है, तो मेरे पास फाइनली ये तो हो गया भैया सोल्व। आगे जो बैठा था वो तो मेरे पास सोल्व हो चुका है, वो कितना मिला देखो, एन तो बैठा था ठीक है, टू मेरे को दे देगा। जीरो से पाई मोड कोस एक्स की वैल्यू कितनी है? वन और वन है टू। तो ये वाला तो हो गया सोल्व। सबसे बढ़िया रास्ता कौन सा? ग्राफ वाला, ठीक है, प्लस के अंदर। अब एक बात बताओ, जीरो से वी की बात करता हूं, जीरो से वी, वी जो है वो यहां पे देखो कौन से क्वाड्रेंट में बैठा है? वी, वी बैठा है सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बैठा है तो ये वी सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो यहां पे एक चीज बता दो मेरे को कि जीरो से वी जा रहा है, कहने का मतलब जीरो से सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन कोस एक्स जो है, मोड कोस एक्स की अगर बात करता हूं तो जीरो से पाई बाई टू, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और पाई बाई टू के बाद क्या होता है? नेगेटिव। तो ये भी टूटेगा कहां से कहां देखिएगा, ये टूटेगा आपके पास फाइनली कहां से कहां? जीरो से पाई बाई टू, कोस एक्स पॉजिटिव, तो मोडलस हमेशा बार आएगा कोस कितना? पॉजिटिव का कोस एक्स। आता कि समझ? और पाई बाई टू के बाद ये जा रहा है वी तक, पाई बाई टू के बाद ये जा रहा है वी तक जा रहा है, ठीक है, मतलब वी सेकंड क्वाड्रेंट तक लाई करेगा, पाई तक कुछ भी हो सकता है। और आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस एक्स होता है नेगेटिव का, तो इसलिए मैं आगे भी क्या लगा देता हूं, कॉमन निकाल के माइनस लगा देता हूं। मैंने माइनस लगा दिया और मेरे पास क्या हो जाएगा? कोस एक्स डीएक्स हो गया। आता कि समझ? तो कहने का मतलब जीरो से पाई बाई टू कोस एक्स पॉजिटिव होता है, मोडलस से बार आएगा, तो पाई बाई टू से वी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस एक्स क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव मैंने बार फेंक दिया। अब कर लो सिंपल भैया इनका सोल्व। जीरो से पाई बाई टू, अभी अभी बता के आया हूं, जीरो से पाई बाई टू कोस एक्स की जो वैल्यू होती है वन होती है हमेशा, तो टू एन प्लस वन, ये हो गया वन, दे देगा पूरा ही इतना, ठीक है। अब इसकी बात करता हूं, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास? अगर आपको याद है तो साइन एक्स होता है, कितना होता है? साइन एक्स। और मेरे पास लिमिट क्या है? पाई बाई टू से वी तक की ये लिमिट पुट करा रहा है, तो पुट कर दो अपर लिमिट, तो टू एन प्लस वन, अपर लिमिट पुट की वी, तो माइनस का था साइन वी, माइनस पाई बाई टू पुट किया लोअर लिमिट, तो साइन पाई बाई टू। अब ये बताओ कि साइन पाई बाई टू हर बच्चे को पता है कितना देता है? वन वैल्यू देता है। माइनस बैठा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का वन आ जाएगा ब्रेकेट से बार, और प्लस वन बार बैठे तो टू एन प्लस टू, माइनस अंदर गया तो साइन वी बन गया, इतना साइन वी। और ये मेरे पास क्या हो गया? इसका आंसर आ गया, सिंपल सी बात है, ये आपके पास आ जाएगी आई की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? आई की वैल्यू। तो देख लीजिएगा भैया एक एक चीज पे पूरा का पूरा फोकस, मैंने बड़े आराम से और बड़े प्यार से चीजें करवाई है, कहीं पर भी किसी प्रकार के आपको झिझक है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आईआईटी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, और इस क्लास में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा भरपूर मात्रा में, इसलिए बड़े ध्यान से देखना। अब आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये तो पीरियोडिक हमारी हो चुकी है, नेक्स्ट आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराऊंगा सारे के सारे, इसीलिए एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखना। और बड़ी आसान प्रॉपर्टी है, सबसे सस्ती प्रॉपर्टी और नंबर देने वाली प्रॉपर्टी, देखिएगा आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8 न्यूटन लेबनिज थ्योरम। प्रॉपर्टी नंबर 8 किस बेसिस है? न्यूटन लेबनिज थ्योरम।
अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक चीज बताओ, सिंपल सी बात पूछता हूं आपसे कि y इज इक्वल टू आपको दे दिया इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स दे दिया। तो अभी इस केस में एक बात होता हूं, मैं अगर इसका डेरिवेटिव करता हूं, y का डेरिवेटिव किया डी वाई अपॉन डी एक्स, एक बात होता हूं इधर भी मेरे पास जब डेरिवेटिव करूंगा, क्योंकि बोथ साइड डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूं, तो इसका तो y का dy अपॉन dx, इधर अगर डेरिवेटिव अप्लाई हुआ तो इंटीग्रेशन भी बैठा है, और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आपस में क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं और कैंसिल हो जाते हैं, तो सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास fx बचेगा, क्या बचेगा सिर्फ है fx। कहने का मतलब ये कैसे हुआ, इधर देखिएगा, जैसे आपको डेरिवेटिव करना है इंटीग्रेशन fx dx का, तो ये आपस में क्या होता है, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाता है, सिर्फ एफ एक्स बचता है जो कि यहाँ पे पड़ा है, आता कि समझो इस तरीके से ये बना है, ये बड़ा, तो एक दूसरे से इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाते हैं और सिर्फ एफ एक्स बाहर गिरेगा आके, और इधर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू एफ एक्स के बराबर। अगर ये चीज आपको दिया होता वाई इजकल टू लिमिट अप्लाई कर दी ए से बी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी ए से बी एफ एक्स डी एक्स सेम है, तो एक बात बताओ कि जब डेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर बात करता हूं, तो पहले ही लेक्चर में बताया था कि हमेशा जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा एक एरिया की वैल्यू देता है, क्या होता है हमेशा एरिया होता है, अभी अभी मैं जिक्र कर रहा था आपके सामने, हमेशा एरिया होता है, और एरिया हमेशा क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, हमेशा क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है। अब एक बात बताओ, जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो इधर भी डेरिवेटिव लगेगा, और ये वाला एरिया है, एरिया हमेशा कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है जीरो, तो कहने का मतलब इसका जब मैंने डेरिवेटिव किया dy अपॉन dx तो किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया, बात आ गई समझ में, लेकिन लिमिट हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट है a से b fx dx फंक्शन है, ठीक है, तो इस केस में एरिया कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का क्या रहेगा जीरो, तो देखो इन दोनों में इतना डिफरेंस आ जाता है, ये तो हमारे पास इंडेफिनेट की फॉर्म बैठा था, लिमिट अप्लाई नहीं हो रही थी। अगर ये चीज अगर आपको ऐसे दिया होता अकॉर्डिंग टू न्यूटन लेबनिज, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लेबनिज क्या बोलता है न्यूटन लेबनिज, कि आपके पास अगर आपको डेरिवेटिव करना है डी अपॉन डी एक्स, देखो डेरिवेटिव ही कर रहे हैं, आपको लिमिट दे दी, क्या दे दी लिमिट, फाई एक्स से साई एक्स लिमिट है, क्या दी फाई एक्स से साई एक्स लिमिट है एफ टी डी टी, एफ टी डी टी, तो एक बात बताओ x के रिस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव करा रहा है, इंटीग्रेशन में जो लिमिट बैठी है वो फाइव एक्स से साई एक्स है, मतलब वेरिएबल की फॉर्म में है, यहाँ पे लिमिट जो है वो वेरिएबल की फॉर्म में, x वेरिएबल है, और जो मेरे पास फंक्शन है वो एफ टी डी टी, और इंटीग्रेशन करवाए t के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर t भी वेरिएबल है, कहने का मतलब हमारे पास लिमिट भी वेरिएबल की फॉर्म है, फंक्शन तो अंदर हमेशा वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करें t के रिस्पेक्ट में, एफ टी और डी टी, तो इस केस में क्या करेंगे भैया, जीरो तो नहीं जाएगा, क्योंकि लिमिट अगर जब कॉन्स्टेंट होती तो कॉन्स्टेंट आंसर मिलता तो जीरो होता, लेकिन यहाँ पे तो लिमिट जब मेरे पास बात करता हूं तो क्या है वेरिएबल की फॉर्म में, तो न्यूटन लेबनिज के हिसाब से अगर बात करता हूं ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है देखिएगा, सिर्फ छोटी सी चीज है, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं इस फंक्शन में, एफ टी है, एफ टी है तो टी की जगह अपर लिमिट पुट कर दो, तो मेरे पास हो गया एफ साई एक्स, तो देखो टी की जगह क्या के बैठ गया साई एक्स, इंटू के अंदर इस साई एक्स का डेरिवेटिव इंटू के अंदर साई डैश एक्स हो जाएगा, माइनस का साइन लगाओगे बीच में, क्या साइन लगाओगे माइनस का साइन लगाओगे, अब क्या करोगे लोअर लिमिट पुट करोगे फाई एक्स टी की जगह, तो एफ फाई एक्स और इस फाई एक्स का डेरिवेटिव इंटू के अंदर है फाई डैश एक्स, तो ये हो जाएगा न्यूटन लेबनिज का थ्योरम, तो ऐसे सोल्व करना है, और इस केस में जो ये जो वैल्यू है ना वो देखो एक्स की फॉर्म में मेरे पास आंसर आया, तो ये जो एरिया है वो हमेशा वेरिएबल की फॉर्म में है, तो इसलिए जीरो नहीं हुआ, कॉन्स्टेंट होता तो जीरो होता, ठीक है, जब लिमिट कॉन्स्टेंट होती तो जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास लिमिट थी वो वेरिएबल थी और जो आंसर आया वो वेरिएबल की फॉर्म में आया एक, तो ये मेरे पास जब न्यूटन लेबनिज जो लगता है वो इसी पे लगता है कि जब लिमिट भी आपको वेरिएबल है, फंक्शन अंदर जो बैठा है वो वेरिएबल होता ही होता है, लेकिन जो मेरे पास अंदर जो फंक्शन था वो टी का, लेकिन जो मेरे पास लिमिट है वो एक्स की है, यहाँ पे मतलब एक्स वेरिएबल की लिमिट देती, तो इस केस में ही न्यूटन लेबनिज लगता है, बड़े ध्यान से देखिएगा, अपर लिमिट पुट कर दो फंक्शन में,
अपर लिमिट पुट कर दो फंक्शन में, इनटू के अंदर अपर लिमिट का डेरिवेटिव, माइनस का साइन लगा दो, लोअर लिमिट पुट कर दो फंक्शन में और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा न्यूटन लेबनीज, और कुछ भी नहीं है, और बड़े आसान क्वेश्चन, देखिएगा कैसे करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन तो बड़े प्यार से होंगे, देखो आपको दिया है, पहला क्वेश्चन दे दिया y is equal to x square से x cube limit log t dt then dy upon dx बोला है आपको, then dy upon dx। अब एक बात होता हूँ, लिमिट मेरे पास वेरिएबल है x square से x cube और log t अंदर जो फंक्शन है वो t के रिस्पेक्ट में क्या करवा रहा है, इंटीग्रेशन। तो कैसे करोगे, तो dy upon dx निकालने के लिए मैंने अभी अभी बताया है, तो इस केस में dy upon dx देखो कैसे निकला, बड़ा आसान सा, अपर लिमिट पुट कर दो t की जगह, तो मेरे पास हो जाएगा log t की जगह जाएगा, log t था तो log x क्यूब, और इस x क्यूब का डेरिवेटिव इन टू के अंदर है 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का साइन, लोअर लिमिट पुट कर दो x स्क्वायर log t में, log x स्क्वायर हो गया लोअर लिमिट, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, बात आ गई सुन, और ये मेरे पास आंसर हो गया, बस कुछ नहीं करना अब, ये आपके पास dy upon dx आ गया, ये क्या गया dy upon dx, न्यूटन लेबनीज देखो कितने प्यार से लगे और बढ़िया आसानी से आ गया मेरे पास क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमने लगा दी न्यूटन है लेबनीज, कर लोगे मेरे ख्याल से, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, इसी टाइप से क्वेश्चन है आपका, बड़ा मजा आएगा आपको करने में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास है जीरो से टी स्क्वायर एक्स एफ एक्स डी एक्स इजकल टू टू अपॉन फाइव टी की पावर पाँच देन एफ फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव की वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे देखो टी मेरे पास वेरिएबल है लिमिट के अंदर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो मैं क्या लगाऊंगा न्यूटन लेबनीज, और न्यूटन लेबनीज में हमेशा करते हैं डेरिवेटिव, भैया देखो डी अपॉन डी एक्स कर रहे थे, डेरिवेटिव कर रहे हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे तो लगाऊंगा मैं न्यूटन लेबनीज, क्योंकि जो मेरे पास लिमिट है वो वेरिएबल है और अंदर फंक्शन तो वेरिएबल की फॉर्म होता ही है, तो न्यूटन लेबनीज, अगर मैंने न्यूटन लेबनीज लगाई अपर लिमिट पुट करूंगा तो मेरे पास हो गया टी स्क्वायर इंटू में एफ एक्स है तो एक्स की जगह टी स्क्वायर जाएगा इंटू के अंदर इंटू में क्या होगा आपके पास इंटू में ये जो मेरे पास लिमिट है पर उसका डेरिवेटिव टू टी हो जाएगा माइनस। अब एक बात बताओ जीरो जैसे ही पुट करूँ एक्स की जगह तो पूरे को ही जीरो बना देगा तो जीरो लगा दो भैया क्यों मेहनत कर रहे हैं हम। और एक दूसरी बात बताता हूँ जब आपको चाहे अपर या लोअर में जब आपके पास कॉन्स्टेंट की फॉर्म में है अगर लिमिट दिया तो वो हमेशा जीरो लिख दो। कैसे कि अगर मान लो मेरे यहाँ पे और कुछ होता जीरो की जगह वन होता तो जैसे ही वन तो पुट कर दिया लेकिन जब वन का डेरिवेटिव बिठाते हैं साथ में तो वन का डेरिवेटिव जीरो जाता भी जो मेरे पास लिमिट होती है उसका डेरिवेटिव तो बिठाते हैं जैसे टी स्क्वायर का यहाँ टू टी डेरिवेटिव बिठाया तो टू टी हो गया टी स्क्वायर का। तो जब कॉन्स्टेंट होता अगर कॉन्स्टेंट होता तो कितना हो जाता जीरो हो जाता और पूरे फंक्शन को जीरो तो सीधा जीरो लगा दो जब आपके पास कॉन्स्टेंट लिमिट है चाहे अपर में हो चाहे लोअर में ये हो जाएगा। ये तो इधर न्यूटन लेबनीज लग गया लेकिन इधर तो सिंपल फंक्शन बेटा है तो इधर मैं क्या लगाऊंगा सिंपल डेरिवेटिव करेंगे इधर मैं क्या लगाऊंगा इस पे नॉर्मल डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि बोथ साइड डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा। अगर मैंने इधर डेरिवेटिव किया न्यूटन लेबनीज एक डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव तो करें तो इधर भी तो डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा बराबर दोनों में तभी लगेगा ना बराबर वैल्यू तभी होगी। तो इधर जब लगाऊंगा इक्वल में 2 अपॉन 5 तो मेरे पास कॉन्स्टेंट है t की पावर 5 का 5 t की पावर 4 हो जाएगा 5 से 5 तो कट गया मेरे पास इधर देखो कितना बचा फाइनली इधर हो जाएगा मेरे पास देख लो भैया कि आपके पास ये हो गया 2t क्यूब इंटू में एफ टी स्क्वायर इजकल टू आपके पास बच गया 2t की पावर 4। अब एक चीज देखो जो जो कट रहा है काटो फटाफट 2 से 2 गया टी क्यूब था 4 पावर कटी सिर्फ टी की पावर 1 बचेगा तो फाइनली आपके पास आ गया भैया ये एफ टी स्क्वायर इजकल टू क्या बचा सिर्फ टी। अब एक बात हो तो एफ टी स्क्वायर की जगह बिठा रखा है 4 अपॉन 25 और इजकल टू में पूछा है तो अगर मैं इसके अंदर भेजता एफ 4 अपॉन 5 तो देखो t स्क्वायर की जगह 4 अपॉन 25 बैठा है तो इसको अगर स्क्वायर में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना f 2 अपॉन 5 का होल स्क्वायर ठीक है इजकल टू। एक बात बताओ यहां पे मेरे पास t स्क्वायर की फॉर्म बन गई ना तो
तो t की वैल्यू क्या बन गई 2/5 और मेरे को एफ टी स्क्वायर टी के बराबर है एफ 4/25 सही है तो मेरे पास इधर भी कितना हो जाएगा 2/5 आ जाएगा। कहने का मतलब टी स्क्वायर है बार टी बैठा है, ये टी स्क्वायर की फॉर्म है तो मेरे को बार टी चाहिए तो मैं क्या करूँगा 2/5 बार रख दिया तो ये मेरे पास क्या हो गया इसका आंसर आ गया किसका एफ 4/25 का। सिंपल सी बात, तो ये मेरे पास न्यूटन लेबनीज। जब आपके पास सिंपल वैल्यू हो तो सिंपल डेरिवेटिव करोगे, नॉर्मल डेरिवेटिव करोगे, कुछ नहीं करना और ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास क्वेश्चन, और आपको बता देता हूँ ये आईआईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जितने क्वेश्चन अब आएंगे आईआईटी के आएंगे ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट देखो ये भी आईआईटी का पहले लिख देता हूँ ताकि बच्चा पूरा अलर्ट रहे और क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझे। क्या दिया है देख लीजिएगा, आपको दिया इफ इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स से वन लिमिट है टी स्क्वायर एफ टी डी टी इजकल टू वन माइनस साइन एक्स देन एफ 1/√3 की वैल्यू बतानी है तो कैसे करेंगे। अब एक बात तो साइन एक्स वेरिएबल है, ये टी अंदर इंटीग्रेशन करें टी के रिस्पेक्ट में ये भी वेरिएबल है तो मैं क्या करूँगा इधर तो मैं लगाऊंगा न्यूटन लेबनीज, न्यूटन लेबनीज से डेरिवेटिव करूंगा, यहां पे जो करूंगा वो नॉर्मल डेरिवेटिव, क्या करूंगा मैं यहां पे नॉर्मल डेरिवेटिव, बात आ गई सुन में, क्योंकि बोथ साइड डेरिवेटिव तो मेरे को करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो न्यूटन लेबनीज देखो क्या करते हैं, अपर लिमिट कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट अभी बता के जब कॉन्स्टेंट हो तो जीरो पुट कर दो भैया, कुछ भी ना करो जीरो, क्योंकि जब वन का डेरिवेटिव करूंगा मल्टीप्लाई में तो जीरो होगा कॉन्स्टेंट है। अब लोअर लिमिट पुट करो तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, टी स्क्वायर बैठा है तो साइन एक्स पुट किया तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू में एफ साइन एक्स। अब ये बताओ साइन एक्स का डेरिवेटिव इंटू में करते हैं और वो क्या होता है कोस एक्स, क्या होता है भैया जो लोअर लिमिट है उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा साइन एक्स का कोस एक्स। ये तो हो गया मेरे पास इक्वल में, इसका मैं नॉर्मल डेरिवेटिव करूँगा तो वन कॉन्स्टेंट जीरो माइनस में साइन एक्स का हो गया कोस एक्स ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो मैंने किया इसका जो किया वो नॉर्मल डेरिवेटिव किया, ये हो गया। अब जो जो काटापेटी होगी सोल्व करके देख लो, ये मेरे पास माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बचा इंटू में एफ साइन एक्स हो गया इंटू में कोस एक्स इजकल टू माइनस का कोस एक्स हो गया। अब एक बात तो कोस एक्स कटा माइनस से ये माइनस काटेगा तो मेरे पास ये बच गया। एक बात तो साइन स्क्वायर एक्स को इधर भेज देता हूँ तो एफ साइन एक्स मेरे पास फाइनली कितना आ गया, इधर वन बचा भी कट्टा तो कोस एक्स तो साइन स्क्वायर एक्स आके डिवाइड में हो जाएगा, इधर क्या बचा मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स एफ साइन एक्स और इधर वन बचेगा तो इस साइन स्क्वायर एक्स को इधर भेज दिया तो मेरे पास एफ साइन एक्स 1/sin²x। अब एक बात बताओ साइन एक्स की जगह क्या पुट कर रखा है फंक्शन में 1/√3 पुट कर दो भैया, एफ 1/√3 किसकी जगह पुट किया मैंने साइन एक्स की जगह पुट किया तो इधर भी साइन एक्स बैठा है तो इधर भी मेरे पास क्या है 1/√3 का होल स्क्वायर करूंगा क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू 1/√3 पुट किया तो इधर डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स है तो स्क्वायर कर दिया 1/√3 का होल स्क्वायर करूंगा तो 1/3 और पलट के जाएगा जब डिवाइड के डिवाइड में है तो 3 और ये मेरे पास क्या गया आंसर। देख लीजिएगा कोई मुश्किल है और ये आईआईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बता की सुन ऐसे करना है किसी प्रकार की आपको तकलीफ है नहीं माननी ठीक है। ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो, और ये भी बता देता हूँ आईआईटी का पहले से ही ध्यान दे लेना इस बात, फिर कभी आप बाद में दर्द महसूस करो कि कैसे हुआ आईआईटी का इसके अंदर दिया क्या है इस चीज पे ध्यान देना। आपको दिया है लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4 इंटीग्रेशन करना है 2 से सेकेंड स्क्वायर एक्स एफ टी डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16 लिमिट भी लगा रखी है इंटीग्रेशन भी करवा रहा है और इंटीग्रेशन भी किस चीज का 2 से सेकेंड स्क्वायर एक्स वेरिएबल की फॉर्म है एफ टी डी टी। तो एक चीज बताओ कि जब इस चीज के अंदर एक चीज जब बच्चे ने अगर लिमिट में पढ़ रखे तो बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं लिमिट पुट करके देखता हूं एक्स की जगह क्योंकि एक्स पे लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4 पाई बाई 4 किया तो एक बात बताओ सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 सीकेंड एक्स होता है मेरे पास पाई बाई 4 पे कितने वैल्यू देता है अंडर रूट 2 स्क्वायर हुआ तो कहने का मतलब कितने देगा 2 तो लिमिट क्या बनेगी 2 से 2 बन गई एफ टी डी टी रहेगा क्योंकि एक्स की लिमिट पुट करूंगा सिर्फ
टू से टू लिमिट जब बन जाती है, अगर लिमिट सेम हो जाती है इंटीग्रेशन में, तो आंसर जीरो रहता है। आंसर कितना रहेगा? जीरो। तो ऊपर देगा जीरो जब मैं लिमिट पुट करूंगा। तो अगर मैंने ये लोअर में पुट किया, एक्स की जगह पाई बाई फोर पुट किया, तो पाई स्क्वायर 16 बन गया, पाई स्क्वायर अपॉन 16 बन गया, इधर भी पाई स्क्वायर अपॉन 16 है, आपस में कैंसिल होगा प्लस माइनस का, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गया। और जीरो बाई जीरो फॉर्म में क्या लगाते हैं? लोपिटल रूल लगाते हैं। वो क्या होता है? ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर और नीचे का डेरिवेटिव नीचे। लोपिटल रूल में क्या करते हैं? ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर और नीचे का डेरिवेटिव नीचे। कैसे? ऊपर वाले का अगर डेरिवेटिव करूँ तो न्यूटन लेबनीज लगेगा, न्यूटन लेबनीज लगा तो मेरे पास देखो क्या हो गया, न्यूटन लेबनीज लगाऊंगा तो मेरे पास देखो लिमिट तो सेम रहेगी, एक्स टेंड्स टू पाई बाई फोर। ऊपर न्यूटन लेबनीज सीकेंट स्क्वायर एक्स पुट करूंगा फंक्शन में, तो मेरे पास हो जाएगा एफ सीकेंट स्क्वायर एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स टी की जगह पुट किया। अब सेकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, अपर लिमिट का डेरिवेटिव करते हैं, तो पहले तो पावर का होगा टू आ गया, सेकेंड एक्स हो गया। अब सेकेंड एक्स का जो डेरिवेटिव मिलेगा वो मेरे को मिलेगा सेकेंड एक्स, क्या मिलेगा? सेकेंड एक्स इंटू में टेन एक्स मिलेगा। किसका डेरिवेटिव किया? कि सबसे पहले अपर लिमिट पुट कर दी फंक्शन में टी की जगह, एफ सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब इस सीकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, तो पहले पावर का होगा टू आ गया, सीकेंड एक्स हो गया। अब सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव कितना? सीकेंड एक्स इंटू में टेन एक्स। अब लोअर लिमिट कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट पुट करूंगा तो मैंने क्या बोला, हमेशा क्या रख दो? जीरो। हमेशा क्या रख दो? जीरो। क्योंकि जब डेरिवेटिव करूंगा टू का तो जीरो रहेगा, तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है अपने को बेकार की। अब नीचे वाले पे देखो, नीचे डेरिवेटिव हमेशा नीचे सिंपल करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? टू एक्स, और माइनस क्या बैठा है? जीरो। अब सिर्फ लिमिट पुट कर दो, कुछ नहीं करना, जहां जहां मेरे पास एक्स है तो लिमिट पुट कर दी मेरे पास एफ, यहां सीकेंड स्क्वायर पाई बाई फोर पुट करूंगा तो एक बात हो तो अंडर रूट टू का होल स्क्वायर कर दू, ठीक है, पाई बाई फोर पुट कर दिया साथ के साथ, टाइम खराब नहीं करेंगे। टू सीकेंड स्क्वायर एक बात हो तो एक्स हो गया, तो क्यों ना मैं अंडर रूट टू का होल स्क्वायर कर दू, टू तो मेरे पास आगे बैठा ही है। ये मेरे पास कितना हो गया? टेन एक्स में पाई बाई फोर जाएगा तो मेरे पास वन मिलेगा, कितना मिलेगा? वन। और माइनस जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ना, अपोन में टू इंटू में पाई बाई कितना हो जाएगा? फोर। जहां जहां एक्स था वहां वहां पाई बाई फोर। एक बात होता है, इस टू से ये टू तो कटा, पाई बाई फोर है, पलट के जाएगा डिवाइड के डिवाइड में, तो मेरे पास हो जाएगा, ये बन गया एफ टू स्क्वायर कटेगा तो ये मेरे पास टू इंटू में फोर भी ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा कितना? पाई। तो एक बात होता है, ये हो गया एट इंटू में एफ टू अपोन क्या है भैया? पाई। और ये मेरे पास क्या हो गया? इसका फाइनल है आंसर हो गया। देख लीजिएगा, कोई मुश्किल चीज नहीं है। देखो मैं चीज को आपको कराने में नहीं कतरा है, क्योंकि आईआईटी का था, बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, बच्चे का फायदा देखना होता है। लिमिट थी, न्यूटन लेबनीज भी लगाया, और मेरे पास लोपिटल रूल जो अगर जिस बच्चे को पता है अच्छे से तो वो आपको लगाने लगाने, नहीं तो अपने प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ भी पड़ी, आप जाके देख सकते हो। लिमिट के अंदर ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर और नीचे का नीचे, जिस बच्चे को पता नहीं है इतना मैंने बता दिया है। तो ये मेरे पास हो जाएगा क्वेश्चन, और ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर डेफिनेट का कंप्लीट हो चुका है। इसलिए सभी बच्चों को बड़ी अच्छे से मेहनत करनी है। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप बताइएगा, मैंने कॉम्पिटिशन का कराया, आपको हर चीज़ हर लेवल का चीज़ करवाई है मैंने, तो इसीलिए अगर आपने क्लास की पीडीएफ अगर चाहिए तो आप अपनी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना पूरी की पूरी, और वहाँ से एक एक चीज़ को देख लेना, जो जो मैंने करवाया वो आपको सारा मिल जाएगा। तो आज डेफिनेट इंटीग्रेशन करने के बाद बच्चे को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इंटीग्रेशन बड़ा लंबा चला है, लेकिन मैंने चीज़ नहीं छुटाई, आपको एक एक चीज़ करवाई है ताकि बच्चा जेई मेन जेई एडवांस तक फाइट मार सके अच्छे से, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इसलिए पूरी की पूरी आपको प्रैक्टिस लगानी है, प्रैक्टिस शीट भी अपने प्लेटफॉर्म पे जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, जो आपको बार बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगाने पूरी की पूरी चीज़ मिलेगी। इसलिए जुड़े रहिए और एक एक चीज़ को आपको करना है। नेक्स्ट जो हम चैप्टर शुरू करेंगे इसके बाद आपका एरिया अंडर करो आएगा, हर बच्चे को जुड़ना है, छोटा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता ही आता है एरिया अंडर करो से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इतने तक पढ़ते रहिए और मज़े करते रहिए।